आज का हमारा जो टॉपिक है इस यूनिट का यूनिट नंबर टू क्लास टॉपिक है दैट इज लीडरशिप थ्योरी पार्ट थ्री यानी कि इसके अंदर लीडरशिप थ्योरी हम तीन थ्योरी हम डिस्कस करेंगे दो कर चुके ट्रेड थ्योरी एंड सिचुएशनल थ्योरी विशेषता सिद्धांत और स्थिति पर सिद्धांत हमने पहले कर लिया तो अब जो आज का हमारा विषय है वो है इंटरेक्शनल अप्रोच यानी अंतर्क्रियात्मक सिद्धांत ठीक है इसका मीनिंग हम देखेंगे इसे कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ठीक है तो इसमें हम आपके सामने शुरू में जो अभी एक क्लिप आई थी उसमें आप देखा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लिखा हुआ वो स्वामी जी क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जानते हो यूरो समथिंग थोड़ा वो युवा युवा शक्ति के नाम से युवा भारत के नेता के नाम से प्रसिद्ध हो और 11 सितंबर 1893 ये डेट आप याद रखो 11 सितंबर 1893 11/9/1893 11 सितंबर 1893 के दिन की जो दिन है जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है दो मिनट बताता हूं आपको मैं शिकागो अमेरिका का एक बहुत बड़ा शहर है उसमें एक वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स धर्म सम्मेलन हुआ था ठीक है उस धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने हमारे देश के बारे में जो पहली भ्रांतियां थी उसको दूर करके और उन्होंने दुनिया को बताया था कि भारत की संस्कृति वाकई में क्या है हमारी संस्कृति का अर्थ क्या है हम क्यों इस प्रकार के हैं तो दुनिया ने उस दिन स्वामी जी का लोहा माना लोहा माना समझ लो ना समझ गए थे कि किस तरह से हाउ पीपल ऑफ इंडिया आर व्हाट दे आर एंड व्हाई दे बिहेव एज दे बिहेव तो उन्हीं के बारे में मैंने इसमें थोड़ा इंक्लूड किया है वो एक नेता या नेतृत्व के बारे में क्या कहते हैं उनके अपने शब्द हैं यदि नेता अपने अनुयायियों पर भरोसा नहीं करता है तो वह है सशक्तिकरण के बजाय नियंत्रण का उपयोग करेगा इसमें यह मीनिंग है यानी इसमें आप इसमें देखवा लीडर्स डज नॉट ट्रस्ट इट फॉलोअर्स ही और शी विल यूज कंट्रोल इंस्टेड ऑफ एम्पावरमेंट अब आप मुझे बताओ कि सशक्तिकरण या एम्पावरमेंट होता क्या है कोई बता सकता है सशक्तिकरण का मतलब या एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण का अर्थ यह है कि जो जिस व्यक्ति के जो अधिकार है उसको उसके अधिकारों के बारे में पूर्ण रूप से पता होना चाहिए जैसे एज ए स्टूडेंट आपको एम्पावर करने का मतलब यह है कि आपको पहले से ही पता है कि कौन सी क्लास खा लगेगी ड्रॉइंग फॉर्म सशक्तिकरण आपका पूर्ण रूप से आपने फॉर्म भरा था नेट पर फॉर्म भरा था किसी ने फॉर्म भरने के या कॉलेज में किसी ने आपसे पैसे नहीं दे रिश्वत दी थी नहीं दे सकते बोलिया किसी ने यानी यू आर अवेयर कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं कहां पर क्या कहानी है यू आर वेरी वेल अवेयर सशक्तिकरण का मतलब है आपके जो अधिकार क्षेत्र है अधिकार है उसमें आपको पूर्ण रूप से आपको ज्ञान हो नॉलेज हो ये सशक्तिकरण है तो स्वामी जी कहते हैं कि अगर नेता का वो बात केवल भरोसे करें नेता और फॉलोअर्स के बीच में अगर आपसे भरोसा नहीं है तो वो नेता क्या काम करेगा वो नेता सशक्तिकरण नहीं करेगा वो कंट्रोल नियंत्रण रखेगा अपने लोगों जो कि ज्यादातर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में या तानाशाही में ऐसा होता है समझ आई बात आपको चलो अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अंतर्क्रियात्मक दृष्टिकोण का अर्थ क्या होता है पहले मुझे ये जो अंतर्क्रिया शब्द है इसका अर्थ आपको समझ में आते हैं इंटरेक्शन का मतलब या अंतर्क्रिया का मतलब या बातचीत या परस्पर जो विचारधारा का लेन देन होता है इसका एक ही बात है जैसे हम किसी से कोई बात करते हैं अपने आइडिया शेयर करते हैं हम इशारे से बुलाते हैं किसी को बुलाते हैं या ऐसे करोगे आप ऐसे व्हाट डज इट मीन बब्बू आ रही है और हम कंप्यूटर के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं अंतक्रिया करते हैं कैसे कंप्यूटर को कैसे पता चले ये चीज चला रही है ये चला रही है हम उसी में माउस को ले जाके वहां पर क्लिक करते हैं हम इंटरेक्ट करते हैं अंतक्रिया क्या मतलब है कि
अंतक्रिया में परस्पर सूचना के प्रवाह, परस्पर सूचना अनुयायियों की सूचना लीडर तक पहुंचती है, लीडर से सूचना अनुयायी तक पहुंचती है, तो यह परस्पर सूचना का प्रवाह, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेसिप्रोकल इन्फॉर्मेशन के माध्यम से दोनों तरफ का व्यवहार सार्थक रूप से प्रभावित होता है। दोनों तरफ का व्यवहार मतलब नेता का भी, अनुयायी का भी, और अनुयायियों के बीच में जब इंटरेक्शन होता है आपस में तो उनका भी, अनुयायी के अनुयायी के बीच में सदस्यों के बीच में इंटरेक्शन होता है, सदस्यों सदस्यों के बीच तथा सदस्यों और समूह के नेता के बीच कई स्तरों पर व्यवहारिक अंतक्रिया होती है, तो इस अंतक्रिया को इसे दृष्टिकोण कहा जाता है। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, जब समूह के जो सदस्य हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मिलते जुलते बातचीत करते हैं, कुछ काम करते हैं, और वही जब नेता के साथ करते हैं, तो इस सारे को हम अंतक्रियात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट है, ये एक प्रकार का सामाजिक संज्ञान होता है। सामाजिक संज्ञान का मतलब है अंग्रेजी में सोशल कॉग्निशन, और सोशल कॉग्निशन क्या है, एक दूसरे की जरूरतों को समझना, समझे आप इसे, यही होता है सोशल कॉग्निशन, इसी को हम अंतक्रियात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। अब आप इसमें देखोगे कि अंतक्रियात्मक दृष्टिकोण किसमें, एक मैंने छोटा सा इसके ऊपर आपको बनाया हुआ है डायग्राम, ठीक डायग्राम बनाया हुआ है, आप डायग्राम को देखोगे कि उसमें कई तरह से आया आगे नेक्स्ट आया और करो आ गया और सी दिख रहा आपको, इसमें आप देखो सारे अलग अलग कलर के हैं, तो बीच और अब मीटर, ठीक है। अब आप देखोगे इसमें अलग अलग तीर निशान लगे हुए, अलग अलग रंगों के हैं, अलग अलग मोटाई के, ये कुछ दिखाते हैं, ये दिखा दो परस्पर है। अब आप देखोगे इस व्यक्ति को देखो, इसका इंटरेक्शन इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है, और कोने को उससे भी है, और नेता से इंटरेक्शन है ही जरूरी। अब नेता का इंटरेक्शन देखो, इससे भी है, इससे भी है, इससे भी, इससे भी, और दूसरे और सभी से इंटरेक्शन है, यानी कि लोगों का आपस में अंतक्रिया और लोगों की नेता के साथ भी अंतक्रिया, ये अंतक्रिया दृष्टिकोण है। जब एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप इंग्लिश है क्या बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, जरूर नहीं, स्माइली बनाओ, कुछ और बनाओ, ठीक है। ये है आपका अंतक्रियात्मक इंटरेक्शनल अप्रोच, इसका अर्थ एक्चुअली, तो लेट्स गो। इसके बाद हम देखेंगे ये अलग अलग कलर, तो मैंने अलग अलग, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अलग अलग साइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रेट अलग गुण होते हैं ना, वो ऐसे कुछ दिखाए वो साइज अलग बाइज का, लेकिन कलर अलग लिख देती है कि हर व्यक्ति यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, जिसके पास अपने अलग अलग गुण होते हैं, सब कोई है किसी गुण का, कोई भी नहीं, इसीलिए उसको अलग अलग कलर दिखाया। अब जो मैं बता रहा था वो अंतक्रियात्मक दृष्टिकोण का अर्थ था, अभी क्या है अंतक्रियात्मक दृष्टिकोण नेतृत्व का क्या होता है, सिमिलरिटी वही बात है बस, उसमें क्या फर्क है, इस सिद्धांत का तर्क है कि नेतृत्व समूह के सदस्यों के साथ और उनकी परस्पर अंतक्रिया का परिणाम होता है। नेतृत्व का मतलब यहां पर यह, मान लीजिए आप क्या ऑपरेशन को नेता चुनना, दो तरीके, एक तो तरीका यह होगा कोई बीच में कह रहे हो मैं बोलूंगा नेता, बाकी चुप ऑटोक्रेटिक स्टाइल होगा, एक आप होंगे वो वोट डालेंगे, डेमोक्रेटिक स्टाइल होगा, ठीक है। तीसरा सर इंटरेक्शन अप्रोच है, आप सारे मिलकर फैसला करोगे, यू विल डिस्कस विद ईच अदर, और डिस्कस करके ऑफिस को बना दो, ठीक समझ आएगा आपको। तो इंटरेक्शन क्रिया दृष्टिकोण ये कहता है, क्रिया अंतर क्रिया दृष्टिकोण ये कहता है कि नेतृत्व समूह के सदस्य और उनकी परस्पर अंतक्रिया का प्रणाम, उससे बीच से एक नेता निकलता है, उसी में समूह लोग छाट लेते हैं। अंतक्रिया ऐसी आपकी कार्यविधि के लिए जमीन तैयार करती है, जो गतिशील होती है। आपको बता दूं ये कि जो इंटरेक्शनल अप्रोच है इट्स ए डायनेमिक अप्रोच, गतिशील बदलाव की अप्रोच होती है, ठीक। बास ने बताया है कि यह दृष्टिकोण संबंधों और पारस्परिक हितों पर, रिलेशन एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, म्यूचुअल इंटरेस्ट के महत्व देने पर केंद्रित होता है। मतलब मुख्य बात इसमें यह है कि यह दृष्टिकोण व्यक्ति जो समूह है उनके क्या तो इंटरेस्ट है, क्या उनकी जरूरतें हैं वो, और उनके
आपको उसमें कैसे एक दूसरे से संबंध है वो इसी बात पर फोकस करना है। समझ आ गया आपको? यही बात कह रहा है कि बासिल ने बताया है कि मेन पॉइंट इसमें यह है कि जो समूह के सदस्य होते हैं ना वो केंद्र बिंदु होते हैं इस अप्रोच और वही मिलकर फैसला करते हैं कि नेतृत्व में कौन नेता होंगे। और अगर वो नेता कमल हुआ देखो उसमें उनकी आशाओं के अनुरूप समूह के अनुरूप काम करता है तो उसको चुने रहते हैं तो हटाओ नया है। ये है मेरा इसी तरह का जो बता गया आगे करो आगे चला रहे इसको कुछ नहीं आगे करते और आगे करते बस नेतृत्व जो है क्या चीज है नेता और ये नेतृत्व कौन सा वाला अंत क्रियात्मक ध्यान रखना अंत क्रियात्मक पूछो अंत क्रियात्मक नेतृत्व नेता और अन्य के बीच परस्पर विनिमय का अपना विनिमय क्या होता है विनिमय बताओ एक्सचेंज क्या होता है एक्सचेंज एक्सचेंज क्या बताओ विनिमय एक्सचेंज होता बताओ विचारों का आदान प्रदान करते हैं एक्सचेंज करते हैं दूसरे से ठीक है पहले होता था अपने सिस्टम वाटर सिस्टम था कोई चीज आपने दी किसी बंदे को यह सिद्धांत मानता है कि जब दो गलत क्रिया करते हैं तो वे व्यवहारों का आदान प्रदान करते हैं आदान प्रदान और कमाल की बात है कि जब ये व्यवहार का आदान प्रदान होता है तो उसके अंदर क्या होता है पुरस्कार और दंड पनिशमेंट रिवार्ड और पनिशमेंट। अब आप बताओ ये कैसे होता है रिवार्ड और पनिशमेंट आप जैसे आप उसे बात करो वाले वाले डिपार्टमेंट बैठा हो तो आए पूरे को काम करो गेम खेलो आप करो सर क्वेश्चन पूछ रहा था कल आ जाए ऐसे मैंने जवाब दिया और एक आप आओ मैं बोलता हूँ यहाँ बेटा आओ बताओ क्या पूछ रहे हैं बढ़िया है आपने पढ़ाई अच्छे चलो मैं बताता हूँ। अब बताओ दोनों तरह के आदमी है इससे आप इंटरेक्ट करना चाहोगे दूसरे वाले से ना क्यों वैसा क्यों है उसने आपकी बातें सुनी फिर आपकी बात को कोई और भी सुन ले That is a kind of reward for you. अगर आप किसे बात करना चाहते हो और आपसे बिल्कुल ध्यान से बात सुनता है और आपकी बात पर टिप्पणी भी करता है हाँ बहुत बढ़िया किया बहुत अच्छा लिखा ऐसा ही करना चाहिए ठीक है अगर ऐसी बात करता है क्या होता है आपको और हौसला मिलता है आंतरिक दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी ऑफ रिवार्ड वो एक तरह से आपका रिवार्ड है पुरस्कार है फिर आप क्या करोगे यानी कि वैसा व्यवहार आप दोबारा करोगे अगर कोई है वैसे व्यक्ति से आप दोबारा बात करना चाहोगे लेकिन अगर कोई आपको बात है तो हाँ वो करके भगा देगा क्या करो अपने बड़ा देगा उससे बात नहीं करो दैट इज नोन एज योर रिवार्ड एंड पनिशमेंट ठीक है तो जो रिवार्ड वाले व्यवहार होते हैं उनको हम बनाए रखते हैं और जो दूसरे व्यवहार होते हैं उनको हम त्याग देते हैं छोड़ देते हैं। और उसने बताया कि नेतृत्व के तीन घटक होते हैं पहला है क्रिया और टास्क दूसरा है भावनाएं और तीसरा है अंत क्रिया तीसरा क्या है अंत क्रिया आप जो आगे अंत क्रिया को ये कहते हैं कि तीनों घटकों में सबसे महत्वपूर्ण अंत क्रिया बेस्ट जो बेस्ट है वो क्या है अंत क्रिया। अंत क्रिया का मतलब है इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स एंड बिटवीन लीडर्स। चलो ओलेंडर ने उन शब्दों में बताओ दिया कि नेतृत्व एक प्रकार की लेन देन की प्रक्रिया होती है कैसी प्रक्रिया लेन देन की प्रक्रिया है यह एक सामाजिक विनिमय है सोशल एक्सचेंज है जहां नेता और उन्हें लगा होता है और एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं और विचार साझा मूल्यांकन करते हैं ना कौन कैसा है कैसा उनका बिहेवियर है और इस टाइप से साझा करते हैं। अब इसमें एक इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पर आ रहा है ओलेंडर ने अंत क्रिया के परिणाम को इसको आप समझ लेना देखना इडियोसिंक्रेसी क्रेडिट यानी व्यक्तिगत विशेषता श्रेय का जो समूह की आप उम्मीदों से ये बड़ा अजीब सा लगा किसी को समझ आया किसी को आया समझने एक बार पढ़ो उसको आप मैं बताता हूँ थोड़ा आसान सी बात ओलेंडर ने अंत क्रिया के परिणाम को इडियोसिंक्रेसिक क्रेडिट बताया कि मतलब क्या है यानी व्यक्तिगत विशेषता से एक आया तो समूह की आम उम्र से दूसरे की डिग्री आप बता सकते चलिए इसका एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा इडियोसिंक्रेसिक क्रेडिट जो है अंग्रेजी का शब्द इसको आप करो व्यक्तिगत विशेषता या श्रेय
मान लिया जाए एक समूह, आप क्लास का एक समूह, आप में से किसी ने एक को नेता बनाया, इंटरेक्ट करके एक दूसरे से अंतक्रिया करके बातचीत करके आपने एक नेता बनाया और उसको आपने सलाह दी। मान लिया जाए आपको एक पार्टी का बनाओ, पार्टी का एग्जाम्पल यू आर ऑलरेडी बिग पार्टी और सभी लोग तो काम तो करेंगे लेकिन मुख्य लोग बोलते हैं क्या नहीं पाएगा। आपने किसी एक को बोल दिया कि आप एक काम करो, ये प्रोग्राम करेंगे। अब वो जो व्यक्ति है, आप लोगों ने जो कहा था उससे, जो आपने आशा रखी थी कि ये खाने का ये अरेंजमेंट होगा, उसने उससे कोई अलग खाने का अरेंजमेंट कर दिया। आपने कहा था भाई पुलाव उलाव रखना, ये सब रखना, उसने कुछ और ही खाने खाने का सामान रख दिया। ये हो गया समूह की जो आशाएं हैं उनसे विचलन, यानी आपने जो आशा रखी थी ना उस आशा से अलग काम उसने कर दिया। अब अगर समूह उसको स्वीकार करता है कि आप जरूर अच्छा कर दिए, बहुत बढ़िया कर दिया, समूह उसके व्यवहार को अगर स्वीकार करता है तो वो जो स्वीकार किया उसने समूह ने वो उसको हम व्यक्तिगत विशेषता श्रेय कहते हैं। आपके जैसे यहां के जमे में है कुलदीप बिश्नोई जी, ये आप उनसे तो आशा थी, एक्सपेक्टेशन है कि वो ना वो काम करेगा ना कुलदीप, लेकिन उन्होंने जो आप लोगों ने आशा बनाई रखी थी उससे कोई अलग काम कर दिया और समूह ने उस काम को स्वीकार कर लिया। ये कंडीशन है, आप वो स्वीकार कर लिया, इसका मतलब ये हो गया कि उसके पास कोई ना कोई व्यक्तिगत विशेषता है, तभी आपने स्वीकार किया है। माने यानी समूह की आशाओं से अलग काम करना और उसको समूह के द्वारा स्वीकार करना, उसी को हम इडियोसिंक्रेसी क्रेडिट कहते हैं, यानी कि व्यक्तिगत विशेषता श्रेय में क्या कहता है, स्थिति का सूचकांक होता है, इट इज एस इंडेक्स ऑफ योर स्टेटस। आपकी बात को मानने का जो श्रेय है, अगर आपकी बात सभी लोग मानते हैं तो आपके अंदर कोई विशेषता है और वो आपके स्टेटस को दिखाता है क्योंकि आप लोग कोई लीडरशिप स्टाइल है। ये बात ये क्लियर वाली मुझे बताओ, अगर इडियोसिंक्रेसी क्रेडिट यही होता है, दैट इज डेविएशन ऑफ बिहेवियर विच इज डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ग्रुप एंड देन बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड बाय द ग्रुप, देन वी कॉल इट इडियोसिंक्रेसी क्रेडिट। यानी आपका कोई ऐसा व्यवहार जो समूह के व्यवहार एक्सपेक्टेशन आशाओं से अलग व्यवहार किया और ग्रुप ने उसको स्वीकार कर लिया, तो उसने जो स्वीकार किया हो ना उसके इसके लिए किया कि उसके पास जो की विशेषता है तभी स्वीकार किया। ठीक है, आप बड़े घटने का तो ले लो, आप आज बोले सुधार और बड़े खुश हो, बड़ा काम है, बड़ा अच्छा लगा, पढ़ते और घर पे जाते धार से थप्पड़ दे दिया तब असर दिया धरती बनी इसके। ठीक है, तो फिर भी वो स्वीकार कोई विदाजित हो गए, यानी कि उनके पास कुछ ना कुछ व्यक्तिगत विशेषता है, बीइंग अ फादर वो एक विशेषता होती है, इडियोसिंक्रेसी क्रेडिट उनके पास है कि थप्पड़ खा के हम कुछ नहीं बोले और कोई और मार देता तो क्लास में उसको दो खींच के देते हैं, फर्क भाई आपके अंदर ये आगे सब। चलो नेक्स्ट, तो थ्योरी को हमने बताया कि नेताओं के पास बेहतर सामाजिक प्रोटेक्शन सोशल परसेप्शन या अनुमति होती है जो उनके क्रिया का आधार होती है। नेता बड़े सलाह होते हैं, जो नेतृत्व करते हैं लोग उनके पास सोशल परसेप्शन होता है, वो समझ जाते हैं कि कैसा मूड है आपका, हमारे टीचर कैसे होते हैं, वो आते हैं यहां पर समझ जाएंगे क्लास में पढ़ाने का मूड है कि नहीं, पूछते नहीं कई बार, कुछ ऐसे ही होते हैं आए याद निकालो पढ़ना शुरू पढ़े चले तुमने पढ़ाई बैठा जाओ काम नहीं किया उसके बाद वो चलेगा तो बैठ गया, ऐसा होता है। कुछ लोग आएंगे वहां कैसे हो ठीक ठाक शराब पड़े आपको देते हो नहीं पढ़ते पहले सब जाएंगे, दैट इज कॉल्ड सोशल परसेप्शन, यानी कि जो समूह के जो सदस्य होते हैं उनका व्यवहार उनका मूड कैसा है उसको प्रोटेक्शन करना उसको प्रोसीड करना एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। चलो और जो कौन करे जो सोशल परसेप्शन ही अंतक्रिया का आधार होती है, बिल्कुल सही। आप जैसे कि बैठे हो यहाँ पर और आपका मूड नहीं है पढ़ाने का और मैं पढ़ाना शुरू कर दू क्या आप उनके क्रिया करोगे चार पांच जाना वह शुरू कर दूंगा, दैट इंडिकेशन फॉर मी टू मैं पढ़ाना चाहूंगा। चलो
Now let us see certain characteristics of interactional approach. बहुत आसान है. अंतःक्रिया सावधानी संज्ञान होती है. दूसरों की जरूरत को समझना और संज्ञान होती है अर्थात दूसरों की जरूरत को समझना. मेरे बताने पर अनुयायी के दृष्टिकोण में केंद्रीय होते हैं. आप जो है समूह के सदस्य है दे आर सेंट्रल टू दिस अप्रोच. उन्हीं के आधार आस पास जो है होती है. नेता जो है समूह का ही संपूर्ण अपने सदस्यों को पुरस्कार और उपाधि से प्रेरित करते हैं. पुरस्कार कैसे भी हो सकते हैं साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं शायद आपको बुरे अकाउंट में आपको पैसे भी हो सकते हैं आपको पुरस्कार के बाद ठीक दीज आर सोशियोलॉजिकल फिजिकल एहसास के पुरस्कार होते हैं या रुपये और कोई बात नहीं आपको खुद बहुत बहुत बुरे अकाउंट में. नेता और सदस्यों के बीच सकारात्मक उत्साही संबंध पाए जाते हैं. सकारात्मक संबंध होते पॉजिटिव तभी नेता को माना जाता है. ऐसी अप्रोच इंटरेस्ट अप्रोच में और सदस्यों का व्यवहार नेता के व्यवहार के जल प्रपात प्रभाव के माध्यम से साफ रूप से प्रभावित होता है. जल प्रपात क्या होता है? जल प्रपात प्रभाव कैस्केडिंग इफेक्ट. अभी पीछे से वीडियो आई थी जिसमें उसने दिखाया था कि जापान में किस तरह से बाढ़ आई. देखिए हम लोग वीडियो धीरे धीरे पानी आता है उसके बाद और ट्रेन पानी आता है उसके बाद पानी में कारे बह गया है उसके बाद घड़ी बह गया है पानी. आप देखिए वीडियो ये इट्स वेरी डेंजरस. बड़े बड़े घर फैक्ट्रिया में कार्य के अधिकारी जैसे 200 किलो लोडे जल प्रपात. यहाँ कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब यहाँ पर है आपने कोई व्यवहार किया आप एक नेता है आपने कोई व्यवहार किया उस व्यवहार का कोई परिणाम आया उसको देखकर किसी और ने व्यवहार किया वैसा ही फिर उसका परिणाम आया उसको देखकर और व्यवहार. कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब पहले वाली बात वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी. ऐसा असर होता है नेता का लोगों पर. आप बात कर रहे नेता स्वास्थ्य में होश का सकता है तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं. ये बात कही कास्टिंग इफेक्ट है इसका जल प्रपात एक तरह से बड़ी लहर की तरह का असर हुआ. लोग बोले कि चलो ठीक हम बढ़ रहे होते यार किसको क्या करना है अब मैं आपकी आई है शामिल हूं. उनके व्यवहार का लोगों पर कैसे प्रभाव समझे आप ये था कास्टिंग इफेक्ट. चलो नेक्स्ट भाई ये विशेषता है अब उसके लाभ पड़ेगा सटन इंग्लिश में भी है आप देखना चाहे तो इंग्लिश. ये वीडियो जो है लिंक नहीं आया हुआ आपके आ जाएगा लिंक ये आपका इंग्लिश में भी है कोई कैरेक्टरिस्टिक इसकी अप्रोच वगैरह आप स्टडी करनी है तो आप देख सकते हो तो भी आप इंटरेस्टेड नहीं हो नाउ लेट अस स्टडी. इसके लाभ क्या क्या है? पहला लाभ यह है कि अंतर्क्रिया दृष्टिकोण व्यक्तित्व की भूमिका के उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने में मदद करता है. कोई भी अपनी मर्जी से देना नहीं होता. इस अप्रोच में कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से नेता नहीं बनता उसको इंट्रैक्ट करके अंतक्रिया करके लोग उसको नेता चुनते हैं वोट डालते भी चुनते उसी सारा सारा योगदान होता है. इसलिए इसका काम आता है. अब देखो सदस्य और नेता समूह के मामले में सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो लक्ष्य प्राप्ति आसान होता है. जब एक काम करना है एक समूह का लक्ष्य को प्राप्त करना है तो सारे लोग अगर मिलकर काम करेंगे ना तो लक्ष्य प्राप्त करना आसान होता है. इसलिए इसका लाभ यह दृष्टिकोण समूह केंद्रित होता है. बिल्कुल समूह केंद्रित होता है जिसके कारण सदस्यों में उच्च स्तर का संतुष्टि का भाव होता है. पीपल आर फाउंड टू बी सेटिस्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ बोथ. क्यों नहीं सेटिस्फाई होंगे? क्योंकि नेता चुना है वो भी इंटरेक्शन से प्रतिक्रिया चुन रहा और जो काम कर रहे हैं सारे आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं तो आप कह सकते हो कि उनके अंदर क्या पाया जाएगा ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि का सेटिस्फेक्शन का भाव पाया जाएगा. अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होती है. ऐसा नहीं है कि इस इंटरेस्ट अप्रोच के केवल लाभ लाभ है यानी एडवांटेज है. इसी कुछ डिसएडवांटेज भी है. अब आप देखो इसमें लास्ट होगा बस इन कमियां देखो क्या क्या कमी होती है. सबसे बड़ी कमी इसकी ये है कि बड़ी संख्या में लोगों की सक्रिय भागीदारी निर्णय लेने की क्षमता को प्रक्रिया को व्यक्त नहीं बना. क्या है आपको फैसला लेना है कि क्या खाओगे पार्टी में कोई व्यवहार समझा जल्दी करोगे जल्दी बताओगे फिर हम क्या करते हैं लिखा बताओ मीठे में भी बताओ घर की बोलेटू समोसा ये सब खा एक एक टाइम ठीक है ना. ये बहुत समझ लगता है. यह दृष्टिकोण सदस्यों के ऊपर समूह ध्रुवीकरण आप समूह ध्रुवीकरण ये कहते हम ट्राई करते हो ये कहते हम ट्राई करते हो और मैं कौन मान रहा हूं ये चीज हो रहा हूं नहीं सर अलग अलग चलो फिर पंगा क्या हो गया अलग अलग मंगा ली चार के नंबर रसमलाई रसमलाई लिखा है रसमलाई खाई हो गया लड़ाई कहीं हमें देखेंगे. दिस मीन्स
पोलराइजेशन एक विचार पर अलग अलग ग्रुप हो जाता है और जब असहमति होती है ग्रुप के अंदर इसलिए नहीं तो सवाल है इंटरेक्शन अप्रोच काम हो जाती है उस इंटरेक्शन में अलग बचते हैं ठीक है ना एक दूसरे पर वाद प्रतिवाद होते हैं उस समय एक अप्रोच ग्रुप काम हो जाती है इसलिए एक इसकी डिसएडवांटेज है और कम नियंत्रण नेता का सबसे बड़ी बात यही है कि नेता का बिल्कुल नियंत्रण होता अलग क्योंकि इंटरेक्शन जब है और अगर नेता का तो बोलता तो बेटर है इसके अंदर कि देर इज वेरी लेस कंट्रोल ऑन द ठीक है चलो ये हमारा भाई आपका इंटरेक्शनल अप्रोच ऑफ लीडरशिप आपके पास इसकी वीडियो का लिंक मैं भेज दूंगा आप देखोगे ये कहां से ले लिया है रेफरेंसेस से रिसर्च के प्रोग्राम से वेबसाइट से किताबों से ले लिया है लिखा हुआ है और जो नेक्स्ट हमारा कल का टॉपिक रहेगा आगे कहते भाई ये अपन एक स्लाइड जोड़ दी आपकी वीडियो में आपको पता चल जाएगी नेक्स्ट क्या पढ़ाना है इसके बाद हमने